तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को करते हैं, शॉर्ट में करते हैं, डिटेल में हम बात तो नहीं करते, शॉर्ट में बात करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है और टेक्निकल रूप से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किस लेवल पे है और किस लेवल पे आपको इसमें बाय करना है, इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये हमारा है नवीन फ्लोरिन काफी बेहतरीन शेयर है। और यहाँ पर सबसे पहले बात करें वीकली चार्ट का। देखिए वीकली चार्ट में ये इसका ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट देने जा रहा है ये स्टॉक। लेकिन दोस्तों बता दें, अगर मार्केट में गिरावट आता है तो करेक्शन इस स्टॉक में भी आएगा, तो गिरावट में आपको ये नीचे के प्राइस पे भी मिल सकता है। लेकिन वीकली चार्ट पे ये स्टॉक देख सकते हैं काफी सॉलिड है, तो कभी भी आप गिरावट में आता है इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे ये जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट ये स्टॉक दे चुका है और यहां से अगर ये आगे निकलता है तो एक और बेहतरीन आपको मोमेंटम इसमें कैच हो सकता है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर देखिए ये यहां पर सस्टेन हो रहा है हायर लेवल पे, और अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक जबरदस्त तेजी इसमें देखने मिलेगा, तो आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों टेक्निकली ये स्टॉक काफी सॉलिड है क्योंकि वीकली चार्ट पर कभी भी ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है, और डेली चार्ट पर देखिएगा ये स्टॉक अपने प्रीवियस लो को काफी समय से ब्रेक नहीं किया है। देखिए डेली चार्ट पर हम पीछे चलते हैं, तो ये जो अप्रैल में और मार्च में गिरावट था तो इसको छोड़ दीजिए, तो कभी भी ये स्टॉक देखिए इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म का ड्रॉ करेंगे तो डेली चार्ट पर, तो देखिए ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कभी ये स्टॉक नहीं आया, सिर्फ ये मार्च में जो गिरावट है, तो मार्च में गिरावट है तो इसके नीचे आया और तुरंत ये बाउंस बैक कर गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन है जिसके पास अगर आता है तो आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि हम आगे जानेंगे कंपनी फंडामेंटली कैसी है, किस तरह का बिजनेस है, कंपनी किस तरह का ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पर ये बहुत ही अच्छे मतलब ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने जा रहा है, और ये ब्रेकआउट काफी जबरदस्त होगा अगर मार्केट सपोर्ट करे, क्योंकि मार्केट में जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन का न्यूज है, जो हमारे चारों तरफ सिचुएशन काफी खराब हो रहे हैं, तो उसके कारण मार्केट में गिरावट आता है तो मार्केट के साथ इस स्टॉक में भी गिरावट होता है। देखिए स्टॉक पिछले दिन काफी ऊपर खुला था, लेकिन मार्केट में जैसा कि हाफ टाइम के बाद मार्केट में गिरावट आया, तो इस स्टॉक में भी यहाँ पर देख सकते हैं गिरावट देखने मिला। तो अगर मार्केट में तेजी देखने मिलता है या मार्केट एक जगह मतलब करेक्ट भी होता है, करेक्शन भी करता है, गिरावट नहीं होती है मार्केट में, बस करेक्शन होता है टाइम वाइज करेक्शन, तो भी ये स्टॉक जो आपको यहाँ से जबरदस्त मोमेंटम दे सकता है। तो ये स्टॉक यहाँ पर कहीं एक तरह से ब्रेकआउट दे चुका है, और यहाँ से ये ऊपर निकलता है पिछले दिन का जो इसका ओपनिंग प्राइस हाइएस्ट प्राइस का 32,050 के ऊपर निकलता है, तो जबरदस्त यहां से मोमेंटम आपको प्राप्त होगा। खास करके लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब भी गिरावट मिले तो आप इसमें बाय करते रहिए, काफी बेहतरीन काफी सॉलिड शेयर है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये स्टॉक जो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, तो कंपनी जो है मार्केट कैप में भी काफी अच्छी है, मिड कैप कंपनी है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.35% है, जो कि काफ़ी शानदार है क्योंकि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ के साथ आपको इतना डिविडेंड यील्ड मिल रहा है जो कि काफ़ी शानदार है। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व का, 1,512 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जबकि डेट कंपनी के पास 2.37 करोड़ का है, तो डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो डेट फ्री कंपनी है, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 151 करोड़ का, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 455 करोड़ का, और ये प्रॉफिट में जंप देख लीजिए, एनुअल प्रॉफिट है ये हमारा, एनुअल प्रॉफिट जो है कंपनी का जंप किया है, 166% से ग्रोथ हुआ है कंपनी के एनुअल प्रॉफिट में, तो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है, तो जो कि काफ़ी शानदार है। उसके बाद करते हैं प्रॉफिट और लॉस का, तो प्रॉफिट और लॉस में बात करें सेल्स का, तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, वहीं कंपनी का प्रॉफिट की बात करें कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2009 में मात्र 43 करोड़ का था, जो कि बढ़कर के हो गया 400 करोड़ का, तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार जंप हो रहा है, कंपनी का सेल्स भी लगातार जंप हुआ है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 करोड़ का है कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। और वही बात करें कंपनी के रिजर्व का, तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, 218 करोड़ था 2009 में, अभी इंक्रीज होकर के 1500 करोड़ तक का हो चुका है, तो ये भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। वहीं कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो जो है 2020 में काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, तो कैश फ्लो भी कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं कंपनी में
इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी में काफ़ी कम है, देख लीजिए मात्र 30% का प्रमोटर्स का स्टेक है इस कंपनी में, जो कि लगभग पिछले कई सालों से कांस्टेंट है, तो मतलब कई क्वार्टर से कांस्टेंट है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि हर क्वार्टर वाइज दिखाया है प्रमोटर्स का स्टेक, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें प्रमोटर का स्टेक कम है, तो अगर प्रमोटर्स का स्टेक कभी डिक्रीज होता है तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रमोटर्स का स्टेक इससे ज़्यादा डिक्रीज होता है तो एक निगेटिव साइन होगा कि कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो प्रमोटर्स स्टेक पे लगातार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कंपनी में लगातार प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो साइन दे रहा है कि यहाँ पर कंपनी में कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है, या कंपनी में आगे जो ग्रोथ हमको दिखेगा वो उतना नहीं दिखेगा जितना ग्रोथ अभी दिख रहा है। तो कंपनी में जो प्रमोटर्स का बिहेवियर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के प्रमोटर्स के बिहेवियर को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कंपनी जो काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो केमिकल सेक्टर की जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें से एक है नवीन फ्लोरिन हो गया, आपका आरती इंडस्ट्री हो गया, अतुल लिमिटेड हो गया, तो ये सारी कंपनियां जो है काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आप जो है गिरावट में कभी भी रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।